वेलकम बैक टू दर्पण ब्रेक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तानी ट्राउजर, वो भी हैवी साइज का। वो रहेगा हमारा ट्रिपल एक्सल ट्राउजर, और वो ट्राउजर जैसा नहीं रहेगा, वो पैंट होती ना फ्लैपर पैंट जो पाकिस्तानी सूट में चलते हैं, वही हम बताएंगे आपको, और वो भी हैवी साइज का। तो चलिए हम अपने ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्लैपर ट्राउजर बनाने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो 2.5 मीटर कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है ये। इसको फोल्ड कर सिंगल कर लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद दोनों कोने मिलाकर इसको डबल कर लेंगे। ये हमारा डबल हो गया है, इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे। ट्रिपल एक्सल साइज बना रहा है इसीलिए हमने पूरा फोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये कपड़ा लगभग हमारा पूरा लग ही जाएगा। कपड़े में हमने नाखून लगा दिए हैं। अब हमको यहाँ से कपड़े को सीधा करने का निशान लगाना है। ये हमने सीधा करने का निशान लगा दिया। अब इसके बाद आपको नीचे इलास्टिक के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है। इलास्टिक का छोड़ने के बाद यहाँ से इंची टेप को रखना है और लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमारी 37 इंच की है, 37 पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर आपको 2.5 इंच चौड़ा रखना है मोड़ने के लिए। तो ये हमारा 2.5 इंच का मोड़ जाएगा। अगर आप चाहें तो और भी चौड़ा मोड़ सकते हैं, पर 2.5 इंच नॉर्मल होता है, आधे इंच नीचे सिलाई में दब जाएगा और 2 इंच का यहाँ पर आ जाएगा बॉर्डर बनकर। यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमारा ये कपड़े की चौड़ाई जितनी भी है उसका बीच सेंटर निकाल लेना है हमें। कपड़े की चौड़ाई हमारी 20 इंच की है तो उसका आधा हो जाएगा 10। 10 इस साइड हो गया, 10 इस साइड हो गया। अब हमको एक सीधी लाइन खींच लेना है। अब ये हमारा बीच का सेंटर निकल आया है। अब हमको कमर का निशान लगाना है। हमारी जो कमर है ट्राउजर की वो 40 इंच है, यहाँ की जो फिटिंग होती है वो 40 है। तो 40 के हिसाब से तो हम इलास्टिक डालेंगे, तो इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ का जो कपड़ा रखना है हमको वो हिप के साइज के हिसाब से रखेंगे हम, क्योंकि अगर हम कमर के हिसाब से रख देंगे तो यहाँ से फंस जाएगा, तो इसीलिए आपको हिप के साइज के हिसाब से रखना है। तो हिप का जो साइज है वो 50 इंच है, 50 का हम चौथाई भाग करेंगे तो 12.5 इंच आ जाएगा। 12.5 इंच तो हमारा फिक्स आया है। अब हम फिक्स तो निशान नहीं लगा सकते, अगर फिक्स लगाएंगे तो बैठ ही नहीं पाएंगे, सिर्फ खड़े ही हो पाएंगे और वो बहुत ज्यादा टाइट होगा फिर आपको। इसलिए हम इसमें 5 इंच लूजिंग एड करेंगे। 5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17.5 इंच। आप अपने साइज के हिसाब से 4-5 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। हम 5 इंच लूजिंग ऐड कर रहे हैं। 5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 17.5 इंच हो जाएगा। तो 17.5 इंच का आधा कर लेंगे हम। ये रहा हमारा 17.5। आप इंची टाइप को ऐसा हाफ में फोल्ड कर लीजिए और ऐसा करके निकाल लीजिए। तो ये आ गया हमारा 9.25 इंच। इंची टाइप को यहाँ पर रखेंगे और 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे। ये यहाँ पर 9.25 इंच आ गया और यहाँ पर भी 9.25 इंच यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, इससे हमारा ये सेंटर निकल आएगा और दोनों साइड के निशान भी लग जाएंगे। अब इसके बाद लगाना है हमको क्रॉच एरिया। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है, और जो हेल्दी साइज होते हैं उनको क्रॉच एरिया भी थोड़ा नीचे ही लगाना पड़ता है। आप चाहें तो हिप के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। मैं एक ऐसी ट्रिक बता देती हूँ आपको जिससे आप सभी की में लगा सकते हैं। तो जो हेल्दी इंसान होते हैं उनकी में 16 इंच पर क्रॉच एरिया लगाएंगे आप तो एकदम सही बनेगा, और अगर किसी को एकदम फिटिंग का चाहिए तो आप 15.5 पर भी लगा सकते हैं। जिसका हम ये बना रहे हैं उनकी में हमें 15.5 इंच लगाना है। ये तो मैंने 15.5 आपको अपने अंदाजे के हिसाब से बता दिया, जिस हिसाब से मैं कटिंग करती हूँ सभी में उस हिसाब से। अब मैं आपको हिप के हिसाब से बता देती हूँ आपको कैसे कटिंग करना है। तो हमारा जो हिप साइज था वो 50 इंच था, 50 इंच का चौथाई भाग करेंगे तो 12.5 इंच निकल आएगा। अब 12.5 इंच में हम कभी भी नॉर्मल ट्राउजर बनाते हैं तो उनमें जो लूज वाले होते हैं या फिर पाकिस्तानी वाले जो होते हैं उनमें 3 इंच की लूजिंग रखना पड़ती है हमें। तो 3 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 15.5 इंच। तो जो मैंने आपको अंदाज से बताया था वही 15.5 निकल आया है इसमें। तो ये हो गई हमारी क्रोच एरिया की बात। अब हम यहाँ की फिटिंग की बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि आपको मेजरमेंट कौन कौन से लेना है। तो सबसे पहले आपको नीचे बॉटम का साइज लेना है, पहले आपको यहाँ की फिटिंग लेना है, इसके बाद ये वाली फिटिंग लेना है, इसके बाद यहाँ की फिटिंग लेना है। तो नीचे बॉटम की फिटिंग हमारी 19 इंच है और जो बीच में साइज आएगा वहां पर 24 है, और थाइस की फिटिंग हमारी 34 इंच है। जो पाकिस्तानी वाले ट्राउजर होते हैं वो थोड़े से लूजी बनाए जाते हैं इसलिए यहाँ की फिटिंग 19 आ रही है। जो नॉर्मल ट्राउजर होते हैं उनको एकदम फिटिंग बनाया जाता है, पाकिस्तानी ट्राउजर को फ्लैपर टाइप का थोड़ा लूज सा बनाते हैं। ये रही हमारी 19 फिटिंग। अब इसका हम हाफ में ले लेते हैं, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगाना है। तो 9.5 इंच का भी हम सेंटर निकाल लेते हैं।
जिससे आपका निशान एकदम सही लगे। तो ये देखिए, ये हमारा निकला 4.5 इंच। तो यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है और 4.5 इंच पर यहाँ निशान लगाना है और यहाँ से भी आपको 4.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया ये 9.5 इंच। अब हमें यहाँ पर लगाना है 24 इंच फिटिंग। तो 24 का आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा। वैसे तो सबको ही पता है 24 का आधा 12 होता है। अब 12 का भी आधा करेंगे तो निकल आएगा हमारा 6 इंच। 6 इंच हमें इस साइड लगाना है निशान और 6 इंच हमें इस साइड लगाना है। और ये वाला जो दूसरा वाला निशान है ना, आपको यहाँ से नीचे से 8 इंच की दूरी पर लगाना है। और ये जो थाइस का निशान है, वो जो आपकी क्रॉच एरिया निकला है ना, उससे 2 इंच नीचे लगाना है इसको। तो 34 का आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17 और 17 का भी आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8.5। आप इंची टेप को फोल्ड कर करके देख लीजिए, ये हमारे सारे निशान लग गए हैं। अब हम इसमें शेप देंगे। तो हमने ये बड़ा वाला राउंड वाला स्केल ले लिया है, इसको यहाँ से रखना है ये राउंड वाले हिस्से में से। वो तो अलग ही दिख रहा है कि ये राउंड हो रहा है, तो हमें ये राउंड वाला हिस्सा इस साइड लेना होगा। इन निशानों से बराबरी से मिलाकर रख लीजिए आप और यहाँ से निशान लगा दीजिए। और इस साइड से भी ऐसे ही निशान लगाना है। ये देखिए, ये रखा हमने। अगर दीदी यहाँ से नहीं मिलेगा किसी मिल का, मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो कैसे लगाएं? थोड़ा थोड़ा करके लगा लीजिए, आधा लगा लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, फिर लगा लीजिए। अच्छा, ऐसे करके लगा लीजिए। ओके दीदी, थैंक यू। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन खींचना है और इसको इससे ऐसे करके मिला देना है। ये वाला जो निशान था ना हमारा, यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे, इसको यहाँ से ऐसा हाथ से शेप दे देंगे, बराबरी से मिला देंगे। अब इन जैसे हमने ये निशान लगाए, उन निशानों पर से कटिंग कर देना है। आपको यहाँ से आधे आधे इंच दूरी से कटिंग करना है, सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए। और यहाँ पर आपको 1-1 इंच का मार्जिन ले लेना है। इस कपड़े को कर देंगे हम साइड में, एक हमें कट यहाँ पर लगाना है और एक इस साइड भी लगा लेंगे, जिससे कि हमें इसको फोल्ड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कपड़ा हमें कितना फोल्ड करना है। एक कट हमें यहाँ लगाना है क्रॉच एरिया के पास, क्योंकि हमें इसमें म्याने लगाना है। आप अगर आपको म्याने लगाना है तो आप लगाइए, ऑप्शनल है म्याने लगाना। अगर आपको पसंद हो तो आप लगाइए, नहीं पसंद हो तो बिल्कुल मत लगाइए। ये जो मैंने आपको फिटिंग बताई, अगर आप इसमें म्याने नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको ये एकदम सही बनेगा। लेकिन हमारे कस्टमर को म्याने भी लगवाना है ताकि उनका बहुत लॉन्ग लाइफ तक ये चल जाए, इसीलिए हम इसमें म्याने भी लगाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें कम गोलाई दी है। अगर आप बिना म्याने के बनाएंगे तो थोड़ा सा और गोल कर लीजिए। और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमें इलास्टिक का पता चल जाए। दोनों साइड लगा दिया हमने, तो अभी हमारी ट्राउजर की पूरी कटिंग हो गई है। बस हमें इसमें से म्यानी और निकालना है। तो म्यानी हम इसमें से निकाल लेंगे, ये जो हमारा बंद वाला हिस्सा है ना, इसी में से। तो इसको इस साइड पलटेंगे, यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया। और लंबाई में हम इसे 8 इंच रख रहे हैं, चौड़ाई में हम इसे 3.5 इंच रख रहे हैं। ये देखिए, हमारी अच्छी सी हेवी साइज की बड़ी सी म्यानी निकल चुकी है, ट्रिपल एक्सल साइज की। अगर आप थोड़ा छोटा साइज बनाए तो आप म्यानी का साइज भी थोड़ा छोटा रखिएगा। ये म्यानी हमारी यहाँ पर लग जाएगी। म्यानी कटिंग करने के साथ ही हमारी पाकिस्तानी वाली फ्लेपर पेंट की कटिंग हो गई है, और वो भी ट्रिपल एक्सल साइज की। और अगर आपको इसकी कटिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको प्रीति इसकी स्टिचिंग बताएगी। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं आपको स्टिचिंग सिखाने के लिए, पर आप पहले मेरा सूट देख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट करके जरूर बोलेंगे प्रीति आपने सूट वाला पहन लिया, नायरागढ़ वाला, जो अभी अपन ने थोड़े दिन पहले बनाया था ना, वही वाला नायरागढ़ आज मैंने वेयर कर लिया है। ये कुछ ऐसा लग रहा है, आज मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है तो मैंने कहा आपको भी दिखाई देती हूँ। देखिए, स्लीव्स कुछ ऐसी लग रही है और ये पूरा नायरागढ़ कुछ ऐसा लग रहा है। और ये रहा हमारा सस्ता वाला प्लाजो, एकदम सस्ता है, सस्ते में हमने बनाया था ना। तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए ये वेयर करने पे कैसा लग रहा है। और जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं, जिसको नहीं पता ये सूट हमने कब बनाया था, इसकी भी कटिंग स्टिचिंग और ये जो मैंने प्लाजो पहना है इसकी भी कटिंग स्टिचिंग, दोनों की हमने आपको सिखाई है कटिंग स्टिचिंग करना। और दोनों वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप सीख सकते हैं। चलिए अपन आज अपने जो पाकिस्तानी वाला फ्लेवर पेंट है इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टिचिंग करना मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये जो हमारा फ्लेवर पेंट है, ये हमारा जैसा रखा हुआ है, इसमें से हमें एक और ये दो ऊपर वाले दो हिस्से उठाना है और इन दोनों को उठा के यहाँ पर रख देना है। तो ऊपर वाले दो उठाकर हमने यहाँ पर रख दिए और दो हमारे वहां पर हो गए, दो दो पार्ट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
जितना हमारा सिलाई मार्जिन में दबता है उतना ही दबाएंगे हम 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, पूरी हम नीचे तक सिलाई लगा देंगे। और इस वाले में भी हमें यही करना है, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगा देना है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई इसमें हमने लगा दी है। अब हम इसको इस वाले को ऐसे सामने कर लेंगे और इसको खोलेंगे। इसको हमने खोल दिया, खोलने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसका मार्जिन, इसका जो मतलब अपन ने जो दबाव रखा है ना सिलाई मार्जिन, ये रखना, ये ध्यान रखना है। इसका हमने इस साइड कर दिया और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे एक पॉइंट की और एक बूट की। और ये वाले का अगर हमने इस साइड किया है तो ये वाला जो हमारा पार्ट रहेगा, दूसरा वाला पार्ट, उसमें हमें इस मार्जिन को, ये जो सिलाई मार्जिन है उसको हमें उस साइड करना है। ये देखिए इस साइड, सामने साइड, एक का हमने इस साइड किया तो इसका इस साइड करेंगे, या फिर अगर आप करेंगे तो दोनों का अंदर साइड करिए। ऐसा ध्यान रखिए, या अंदर साइड या दोनों का बाहर साइड, ऐसे ध्यान रखना है आपको। इसमें भी आप यहाँ पर एक पॉइंट की और एक बूट की सिलाई लगाना है। आप लोग हमेशा एक डाउट में रहते हैं कि बूट की सिलाई क्या होती है, तो ये जो हमारी सिलाई है ना, इसके बगल से हम चलाते जाएंगे और बगल मतलब एक बूट जो रहेगा ना, ये बूट का हाफ वाला हिस्से, इसके यहाँ से बूट आता जाएगा और यहाँ से दूसरे साइड से सिलाई लगाते सिलाई आती जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी बूट की सिलाई, क्योंकि बूट बराबर स्पेस है ना सिलाई में, इसीलिए इतना। एक हमने पॉइंट की और एक बूट की सिलाई पूरे यहाँ से लेके नीचे तक लगा दी है, और इन दोनों का मार्जिन जो है ना, हमने दोनों पे लगा दिया। और दोनों का मार्जिन आमने सामने क्यों रखा है, इसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊं, क्योंकि जब हमारा पूरा फ्लैपर पैंट बन जाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि वो क्यों रखा है हमने। तो अब हम इसमें लगाते हैं मियानी। तो हमने जो एक पार्ट स्टिच किया है, एक ही पार्ट को रख लेना है सीधा करके। अब ले लेना है हमें अपनी मियानी को, और मियानी का एक पार्ट लेंगे और यहाँ से ये जो दीदी ने कट लगाया था यहीं से इसको रखेंगे, इस तरह से मेजर करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। इस वाली मियानी को उठाएंगे और इस वाली मियानी को इस साइड लगा देंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच करेंगे, यहीं से इसको पलट देंगे और इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे दोनों के ऊपर। एक ही पार्ट में दोनों मियानी हमने लगा दी है और इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई भी हमने लगा दी है। ये देखिए पॉइंट की सिलाई लग गई है। इसको हमने अभी सीधा करके रखा है, दूसरे वाले पार्ट को लाना है और इसके ऊपर हमें उल्टा करके रख देना है इस तरह से। अब हम यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, ये वाले जो क्रॉच एरिया का निशान है ना, यहाँ से इस मियानी को मिला देंगे और ऐसी सिलाई हम इस साइड भी लगा देंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। आप लोग जब भी ये वाली सिलाई लगाते हैं आपको हमेशा यही दिक्कत आती है, तो मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ कैसे सही आएगी। यहाँ से लेके मियानी के आधे इंच नीचे तक तो आपको सीधी सिलाई लगा लेना है और सुई को आपको अंदर रख लेना है। अब इसके बाद आपको ऐसे घुमाना है, सुई को अंदर रखना है और इस तरह से मियानी को घुमा देना है और ये ऊपर वाले फैब्रिक को भी घुमा देना है। और इस वाली सिलाई को हमने नीचे तक लगा दिया है। अब हम इसमें लगा देंगे पॉइंट की सिलाई, तो इस मार्जिन को हमें अंदर साइड करना है, क्योंकि इस वाली मियानी के मार्जिन हमने इस साइड किया है अंदर साइड, तो इस वाली मियानी का भी अंदर साइड करेंगे और पॉइंट की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। जैसे हमने इसको तैयार कर लिया है, ऐसे ही हम इस साइड वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे मियानी अटैच करके और उसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाकर। दोनों साइड की मियानी लग के हो गई तैयार। अब हम लगाएंगे इसमें इलास्टिक। तो कमर देख लेना है, कमर है हमारी 40 इंच की, 40 इंच कमर है, तो 4 इंच माइनस करके हम 36 इंच की इलास्टिक ले लेंगे। 36 इंच की हमने इलास्टिक ले ली, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है, एक दूसरे के ऊपर रख देना है और यहाँ से इसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक पे पक्की सिलाई लगाने के बाद इस फ्लैपर पैंट को कर लेना है सीधा, सीधा करके सिंगल करके रखना है और यहाँ से हम इलास्टिक को रखेंगे, यहाँ से, यहाँ पर दीदी ने कट लगाया था इसके बगल से रख लेंगे। इस पट्टी को यहाँ पर पलट देंगे, इसमें से आधे इंच हम अंदर कर देंगे और अब लगाएंगे हम इसमें सिलाई और नेफ बना के पूरे इलास्टिक को अंदर कर देंगे गोल गोल में। अभी ये जो इलास्टिक है इसको हमें ऐसे खींचना है और मार्जिन को इसके ऊपर इकट्ठा कर देना है इस तरह से, इलास्टिक बाहर आती जाएगी हमारी, तो हम और कपड़ा इसके ऊपर सिलते जाएंगे।
इलास्टिक को पूरे नेफे के अंदर करने के बाद इसको ऐसे खींच के पूरे मार्जिन को ऐसे फैला देना है सब में, ताकि अच्छे से पूरे में फैल जाए। अब आपको लगाना है इलास्टिक के ऊपर सिलाई, तो कैसे लगाना है ये भी आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। तो देखिए पूरा मार्जिन हमारा फैल चुका है, इसको मशीन के अंदर करना है और यहाँ से सुई को अंदर कर देना है, और ये जो मार्जिन है हमें इसको इस तरह से लेना है। देखिए एक हाथ से पीछे साइड से खींचना है, एक हाथ से आगे साइड से खींचना है, और इस तरह से पहले बराबर कर लीजिए पूरा। देखिए यहाँ से भी बराबर हो गया, नीचे साइड से भी बराबर हो गया, नहीं तो कोई कोई क्या यहाँ इसमें ऐसा झोल कर लेता है, ऐसा कर लेता है इकट्ठा सा, तो वो हमें नहीं करना है। अब हमें एक एक सेंटीमीटर दूर से सिलाई लगानी है दो। यहीं से आपको एक सेंटीमीटर दूर शिफ्ट हो जाना है, और जैसे सिलाई हमने ये लगाई ऐसे एक सिलाई और लगा देना है गोल गोल में। लास्टिक इसमें हमें पूरी गोल गोल लग चुकी है, तो देखिए ये कुछ ऐसी आई है। और अगर आपको लास्टिक की फिनिशिंग चेक करना हो ना, पता है कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए, ये देखिए कितनी बढ़िया आई है ना, इस तरह से आना चाहिए आप लोगों की भी लास्टिक, पूरा खींच के देख लीजिए। नहीं तो पता है क्या क्या करते, कोई ऐसी सिलाई जा रही है ऐसी 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 पूरी सांप जैसी लहरा रहे हैं लास्टिक में, ऐसी नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे ही लगाना। अब हम इसको जैसे ये है ना डबल ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर जो निशान है निशान वाली साइड चले जाएंगे, ऐसे इसको पकड़ लेंगे मियानी से मियानी मिलाकर, तो पकड़ लिया। अब यहाँ से इस निशान को उठा लेंगे, निशान को हमें ऊपर रखना है। ये देखिए यही वाले निशान हमारे इस वाले साइड भी आ गए हैं। अब हम इसको लेंगे और सिंगल कर लेंगे, और अब बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो ये जो दीदी ने कट लगाया था, ये वाला कट, यहाँ वाला कट और ये वाला कट, तीनों को मिलाते हुए हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो पहले हम सेंटर से लेंगे, ये हमने सेंटर से इसको ले लिया पूरा। अब यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये आ गया हमारा। अब यहीं से इसमें से आधे इंच अंदर कर दीजिए और सिलाई लगाइए। अब यहीं से हम इसको घुमा देंगे और इसके ऊपर बूट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का बॉटम हमारा फोल्ड हो चुका है, इसी के जैसा हमें इस साइड वाला बॉटम भी फोल्ड कर लेना है। इसी के जैसा हमने इस वाले बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से हम ये वाला जो बॉटम है इसको ऐसे एक दूसरे से मिला देंगे, और मियानी से मियानी को मिला लेंगे, इस साइड से मिला देंगे ऐसे ही, ये मिला दिया। और ये जो निशान वाली साइड है इसको हमें ऊपर रखना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, यहाँ से निशान के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, और यहाँ से हम आधे इंच दबाएंगे, और यहाँ से लेके पूरे इस वाले निशान से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। और आपको एक बार बॉटम की फिटिंग नाप लेनी है कि 19 इंच आया था, तो 19 का आधा 9.5 इंच पे हमें निशान लगा के ही फिटिंग लगानी है डबल सिलाई करके। फिटिंग की सिलाई लगने के साथ ही हमारी पूरे फ्लैपर पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा। फ्लैपर पैंट हमारा पूरा बन चुका है, और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगी, वो है क्या, ये जो मार्जिन है इसका, ये देखिए हमने इसका मार्जिन आमने सामने किया था, तो अभी इसका मार्जिन हमारा इस साइड जा रहा है और इस वाले का मार्जिन इस साइड आ रहा है। मतलब जब हम वियर करेंगे तो दोनों का मार्जिन सामने साइड आएगा, तो क्या इससे ये सही दिखता है, नहीं तो क्या होता है एक का मार्जिन पीछे जाता है एक का आगे आता है, तो ऐसा लगता है वो छोटा बड़ा हो ट्राउजर हमारा। इसलिए हमने इस टाइप से आपको स्टिच करना बताया था कि मार्जिन को आमने सामने रखिए या बाहर साइड रखिए या अंदर साइड रखिए। ये बन गया हमारा पूरा पाकिस्तानी फ्लैपर पैंट। तो देखिए पूरा हैवी साइज का है, वो भी ट्रिपल एक्सएल साइज का। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको हैवी साइज मतलब ट्रिपल एक्सएल साइज के फ्लैपर पैंट की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। और आपसे जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इसका मतलब ये वाला जो कुर्ता है इसको भी हम जरूर दिखाएंगे आपको, तो आप देख लीजिए ये जो ट्राउजर है ना इसी वाले कुर्ते के साथ का है। ये रहा हमारा पाकिस्तानी वाला कुर्ता जिसकी बेल स्लीव्स है, पूरा पाकिस्तानी है, और सिफली का इसमें वर्क है। इसका दुपट्टा कुछ ऐसा है, दुपट्टे भी यहाँ पे आया था ना बॉर्डर, ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर दिया है, तो पूरा बॉर्डर आ गया हमारा। और यहाँ पे नीचे साइड पल्लुओं पर हमने ये वाली लेस लगा दी जो हमने आपको दिखाई थी। तो ये दुपट्टा, ये हमारा पाकिस्तानी वाला कुर्ता, और ये हमारा पाकिस्तानी वाला फ्लैपर पैंट, पूरा पाकिस्तानी सूट। आपको कैसा लगा? और अगर आप चाहते हैं कटिंग स्टिचिंग सीखना तो लास्ट वीडियो में हमने बताया है इसी के जोड़ीदार को, तो आप वहां से जाके पाकिस्तानी कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हैं। और अगर आपको फ्लैपर पैंट की कटिंग स्टिचिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।